हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सोनू, आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज पर पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज महत्वपूर्ण फिजिक्स में टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर 3 क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न का ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपके 5 मार्क्स मिस हो जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर प्रत्येक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मैं इसे ट्रिक से बताऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप वीडियो में बने रहिए, यदि आपको कोई काम है तो वीडियो को छोड़कर पहले काम कर लीजिए या बाद में वीडियो देखना, पहले अपना काम कर लीजिए या फिर पहले वीडियो देख लीजिए, बट काम एक ही होगा, वीडियो को अंत तक देखना, बाद में फिर मुझे कमेंट मत करना कि सर समझ में नहीं आया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वह अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोज आपको YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन मैं जिस ट्रिक से बताने वाला हूँ पूरे YouTube पर ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, आपको रट जाएगा स्टूडेंट, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। स्टूडेंट, आपको क्या करना है, मान लेना है यहाँ पर कि कोई L लंबाई का एक तार है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई L लंबाई का एक तार है, ये स्टूडेंट तार हो गया L लंबाई का। इस पर मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, इधर मैंने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल है जो वो कैपिटल ए है। इसके बाद मैं मान लेता हूं कि इसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है, और मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर कुछ, मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसकी लंबाई मैंने क्या माना था, मान लिया एल लंबाई का कोई एक तार था, ये एल लंबाई का कोई एक तार था, इसमें मान लीजिए कोई भी तार हो, जब उस पर करंट बहाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें अवेलेबल हो जाती है, और जब जब धारा कहीं पर भी प्रवाह कर दिया जाता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी तरफ से उत्पन्न हो जाती है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई, और मैं एक बात बता दूं, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E है, तो यहाँ पर जो विभव होगा वो V होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू फार्मूला होता है आई आर, यानी कि I और V का तो रिलेशन होता है, जहां पर I होगा वहां पर V होगा, अथवा जहां पर V होगा वहां पर I, और जहां पर धारा बहा दी जाएगी, जहां पर करंट छोड़ दिया जाएगा, वहां पर वैद्युत विभव अपनी तरफ से उत्पन्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको ये डायग्राम बना के आना है, डायग्राम बनाने पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले एक एल लंबाई का तार ले लेना है, मान लेना है कि इसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इनके जो कोने है कुछ स्थान घेर रहा है, इसके अंदर कुछ स्थान है, एरिया है, तो ये एरिया जो है क्षेत्रफल, उसके मैंने मान लिया कि उसका क्षेत्रफल दोनों तरफ का कैपिटल ए है। इसके अंदर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन वितरित कर दिए, जैसे कि करंट प्रवाहित होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से उत्पन्न हो जाएंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने प्रवाहित कर दिए। इसके बाद आपको इस पर थ्योरी क्या लिखनी है वो मैं बता देता हूँ, बस आप वीडियो को देखते रहिए, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल बताने वाला हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या माना था, कोई एक एल लंबाई का तार था, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, माना कोई एक एल लंबाई का तार है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और वैद्युत धारा आई है, तथा इसका विभवांतर वी है, इसके दोनों ओर क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए हैं, जिस पर हमको ओम के नियम का सत्यापन करना है, अथवा फिर आप सिंपल सी थ्योरी लिख सकते हैं, वेरी सिंपल थ्योरी में यहाँ पर आपको बता दूं, माना कोई एक एल लंबाई का तार है जिस पर हमने वैद्युत धारा आई प्रवाहित कर दिया, वैद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कोनों का क्षेत्रफल या फिर जिसके कोनों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, बस आपको इतना लिख देना है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, माना कोई एल लंबाई का एक तार है जिस पर वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जब किसी तार पर वैद्युत धारा आई प्रवाहित कर देते हैं तो उस पर विभवांतर वी
उत्पन्न हो जाता है, तब तब वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा उसके कोणों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब स्टूडेंट आशा करता हूँ ये थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी। यही सिंपल सी थ्योरी आपको लिख के आनी है। यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसे रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए इसके डेरिवेशन की ओर। यदि स्टूडेंट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो जो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ और आपकी बोर्ड एग्जाम को बेहतर बना जरूर बनाऊंगा। तो स्टूडेंट पसीना चू रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी बात पर वीडियो को एक कर दीजिए लाइक। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको डेरिवेशन करने से पहले आपको पता होगा आई बराबर एक फार्मूला होता है धारा घनत्व, तो आई बराबर एक फार्मूला होता है एन ई ए वी डी, जहां पर ये वीडी हमारा अनुगमन वेग या फिर अफवाह वेग होता है। इसकी भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जान सकते हैं अफवाह वेग या फिर अनुगमन वेग क्या होता है। इसे मैं मान लेता हूँ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, एन ई ए वी डी। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और लंबाई एल है और विभवांतर भी है, तो इन तीनों का जो संबंध होता है वो होता है ई बराबर वी अपान में एल। आप इस फार्मूले को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ई बराबर होता है वी अपान में एल। आपको एक फार्मूला और पता होगा एफ बराबर क्यू ई, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आवेश भी कुछ ना कुछ वितरित होगा, जब आवेश होगा वहां पर फोर्स बल भी जरूर लगेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे तो इन पर जो कुछ कार्य करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर करने पर कुछ फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स यहाँ पर एफ इक्वल टू क्यू ई यहाँ पर मैंने कर दिया है, और इन पर आवेश तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों पर होता ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक संबंध मैंने कर दिया। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर आप क्या पढ़े होंगे स्टूडेंट एम ए। वीडियो के अंत तक बने रहिए स्टूडेंट, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये सारे फार्मूले, नहीं आपको याद करना तो इन सभी फार्मूलों का निचोड़ एक फार्मूला बट आपको पता होना चाहिए इन्हें। तो इस वैल्यू, इस एफ की वैल्यू एफ बराबर एम ए, मैं इस एफ के स्थान पर यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इस एफ के स्थान पर मैंने रख दिया एम ए, एम ए एफ के स्थान पर रख दिया और एक क्यू ई इक्वल टू में लिखा था तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्यू ई। अब स्टूडेंट मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पर आपने E इक्वल टू एक फार्मूला निकाला था V अपान L, तो इधर आपको पुट कर देना है, तो एम ए इक्वल टू क्यू और ये E की वैल्यू क्या निकाली थी V अपान में L, तो मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया V अपान में L। अब यहां से आपको फाइंड करनी है A इक्वल टू क्यू V अपान में एम एल। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, यदि आप ये सब नहीं करना चाहते E बराबर V अपान L और F बराबर क्यू ई, F बराबर एम ए, F बराबर क्यू ई, ये सारे फार्मूले नहीं यूज करना चाहते तो डायरेक्ट इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं और इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान सकते हैं। डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर सकते हैं A बराबर क्यू ई अपान में एम एल। लेकिन स्टूडेंट आपको इसमें भी डायग्राम पे भी ई वी एल दिख रहा है, तो इसका रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एफ का रिलेशन। जब स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश तो होता ही होता है और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इन पर आवेश है, जब इन इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर करेंगे खसकाएंगे तो इन पर कुछ बल लगेगा, तो वो बल एफ लगेगा, तो इन तीनों पर संबंध हमारा एफ बराबर क्यू ई हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आपको पता होगा एफ बराबर एम ए एक फार्मूला होता है जो कि आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके होंगे, तो मैंने यहाँ पे एफ बराबर में कर दिया, इन दोनों को आपस में इक्वल हो गए। अब इसके बाद E की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया और हमारा A का जो फार्मूला था वो निकल के ये वाला हमें फाइंड हो गया। यदि आप इस फार्मूले को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप इन सीधे सब को छोड़कर A बराबर QV अपान ML पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, फिर इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बना सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जगह कम है मैं मिटा लेता हूँ, तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें करना होगा, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हमें करना होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट इतना करने के बाद आपको मान निकालना होता है गति के प्रथम समीकरण से, किससे स्टूडेंट गति के प्रथम समीकरण से,
यहाँ पर आप मान सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है कि जो फार्मूला होता है F बराबर QE, यदि स्टूडेंट हम यहाँ पर कर दें QE, तो यहाँ पर हम कर दें एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या कर दें स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये फार्मूला हमारा निकल आता है क्यू हो जाता है ई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ई ये फार्मूला हमारा निकल के आ जाता है। यदि हम करना चाहे तो करें, ना भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गति का समीकरण जो हमारा होता है वो होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रथम एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर हम लिखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट हमको पता नहीं है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए वी वन, इसको वी टू और इसको वी वन और इसको यू वन और इसको टी वन कर लेंगे। फिर यहां पर करेंगे दो तीन इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या करेंगे स्टूडेंट दो तीन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू यू टू प्लस ए टी टू, क्या हो जाएगा स्टूडेंट V2 इक्वल टू यू टू प्लस ए टी टू। अब इसके बाद यहां पर हम करेंगे तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां पर क्या करेंगे तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर हो जाएगा V3 इक्वल टू यू थ्री प्लस ए टी थ्री। इसके बाद स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको n इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेना है, n इलेक्ट्रॉन के लिए अब n इलेक्ट्रॉन के लिए यहां हो जाएगा वी एन इक्वल टू यू एन प्लस ए टी एन हो जाएगा ना स्टूडेंट, यहां पर n इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो इस चित्र का आप कोई काम नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे इसे मिटा दे रहा हूँ, चित्र पे मैं सब कुछ आपको समझा ही चुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रखते हैं तो हमारा ज्यादा बेटर बनता है, तो इस क्यू ई के स्थान पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हमें पहले ही करना था स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर हमारा एक क्यू के स्थान पर ई हो जाएगा, यही मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो ये करे बिना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर माना जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि जो हमारा एक फार्मूला होता है गति के प्रथम समीकरण से, हम इतने तीन स्टेप करने के बाद सबसे पहले हमें इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानना है, फिर एक की वैल्यू निकालना है, फिर इसके बाद गति के समीकरण से एन तक की वैल्यू निकाल लेना है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है औसत वेग इक्वल टू, हमारे पास एक फार्मूला होता है औसत वेग होता है हमारा वीडी, औसत वेग या अनुगमन वेग, बात एक ही है स्टूडेंट आपको याद रखना है। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात हमारे पास यहाँ पर पद है वी वन वी टू, तो यहाँ पर कर रहा हूँ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डॉट डॉट, हमारे पास कोई गिनती नहीं है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर करेंगे एन और यहाँ पर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो संख्या ये हमारी एक दो तीन एन संख्या तक है, हमारी लास्ट हमारी सबसे जो बड़ी संख्या है एन है नंबर, तो यहाँ पर भी मैं कर दे रहा हूँ एन, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपको इस वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू उठा के रख देनी है, तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा वी वन की हमारी जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी यू वन प्लस ए टी वन, हमारी वैल्यू जो निकली थी यू वन प्लस ए टी वन। इसके बाद स्टूडेंट मैंने वी वन की वैल्यू रख दी, अब इसका प्लस लगाया, अब रखूंगा V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू हमने निकाला था U2 प्लस ए टी टू, तो U2 प्लस ए टी टू प्लस, अब स्टूडेंट यहां पर मैं निकालूंगा V3 की वैल्यू, यहां पर मैं V3 की वैल्यू निकाल चुका हूं, मुझे पुट करना है ओनली V3 की वैल्यू, तो U3 की जो V3 की जो हमारी वैल्यू है वो है U3 प्लस ए टी थ्री।
इसके बाद स्टूडेंट हमारी जो वी एन डॉट डॉट करके हमारी जो वी एन तक की वैल्यू है, यहाँ पे स्थान ना होने के कारण मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉट डॉट। हमारे डॉट डॉट करने के बाद जो एन तक की वैल्यू है वो है यू एन प्लस ए टी एन। इसके बाद अपान में हमारा जो है वो है हमारा यहाँ पर एन। अब इसका कार्य मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर वाइज आपको सीधे सीधे करना है, यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी किस प्रकार से इस डेरिवेशन को करना है। वैसे जैसा मैं करवाता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, वैसे आपको करते चलना है। यहाँ पर मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा निकल के आ गया ये फार्मूला। अब इसके बाद हमको पुट करना होता है। इधर से हम स्टूडेंट ले लेते हैं कॉमन वी डी इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री यू एन तक अलग कर लेते हैं, और इसको ए इससे कर लेते हैं कॉमन, और इसको कर लेते हैं अलग। फिर इधर करते हैं यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट डॉट यू एन। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इसको यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट यू एन इसे मैंने अलग कर लिया है, और यहाँ पर भी पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाएंगे तो ये वाला एन इसके अपान में आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री ए टी एन इसको भी अलग करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं इससे पहले कि ए सब में कॉमन दिख रहा है, इस पर भी इस पर भी इस पर भी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर बचने क्या वाला है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट टी एन, ये वाला स्टूडेंट डॉट डॉट टी एन। यहाँ से मैंने इससे भी ए कॉमन लिया, इससे भी ए कॉमन लिया, और इससे भी ए कॉमन लिया, और इससे भी ए कॉमन लिया। इसके बाद हमारी जो इसमें भी संख्या है तो वो हमारी क्या है एन। अब इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर यू वन यू टू और यू थ्री प्लस डॉट डॉट यू वन अपान एन इसकी जो वैल्यू होती है वह शून्य के बराबर होती है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, इतने की जो हमारी वैल्यू होती है वह हमारी शून्य के बराबर होती है। काय के बराबर होती है स्टूडेंट, शून्य के बराबर होती है। अब हमारे पास बचा क्या, उसे लिख लेते हैं। तो बचे का क्या स्टूडेंट, प्लस इसकी वैल्यू जो हो गई हमारी जीरो, फिर प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट टी एन अपान में एन, यही हमारे पास बचा। अब इसके बाद स्टूडेंट यहां से आपको वी डी की वैल्यू निकाल के रख देनी है समीकरण एक से। तो यहां पर आपको लिखना होगा समीकरण एक से वी डी का मान रखने पर वी डी का मान रखने पर। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं वी डी का जो वैल्यू है निकाल ले रहा हूँ, तो ये वी डी इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, हमारा ये जो संख्या है मल्टीपल में है ये चली जाएंगी आई के अपान में, तो हो जाएगा आई अपान में एन ई ए, यही हमारी वी डी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैं यही वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ आई अपान एन ई ए। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात है कि आपने एक फार्मूला पढ़ के रखा होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट टी एन अपान एन की जो वैल्यू होती है वह टाउ होती है। यदि आपको नहीं पता था तो आप जान लीजिए आज कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट टी एन अपान एन की जो वैल्यू होती है वह टाउ के बराबर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और इतने की जो वैल्यू होती है टाउ के बराबर होती है तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं करने के वाला हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे भी मिटाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा ले रहा हूँ हल्का सा, और फिर आपसे बात करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारा स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक ही वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी ई वी अपान में एम एल, तो यहाँ पर मुझे एक ही जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं एक ही आपकी वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ, तो आई अपान में एन ई ए इक्वल टू ए टाउ। तो ए एक ही वैल्यू मैंने निकाली थी ई वी अपान एम एल, तो मैंने रख दिया ए के स्थान पर ई वी अपान में एम एल, और इस टाउ को मैंने इधर ही लिख दिया टाउ।
अब स्टूडेंट थोड़ा डेरिवेशन लॉन्ग है, बट आपको दो या तीन बार प्रैक्टिस करनी है, तीन से चार बार, और संडे टू संडे दो तीन बार इसे जरूर देख लेना है ताकि आपको कभी भूले ना। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब हमें यहाँ पर वैल्यू काहे की निकालनी है, हमें प्रूव करना था वी बराबर आई आर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वी बराबर आई आर, बट इसका कोई यूज नहीं है, मैं समझाने वाला हूँ क्योंकि हमें यही प्रूव करना है वी बराबर के आई आर। तो मैं यदि स्टूडेंट यहाँ पर आर इक्वल टू वी अपान आई कर लूँ तो मुझे यही इस फार्मूले से वी आई को वी के अपान पे ले जाना है, यही मैं इसे समझा रहा था, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इस फार्मूले पर आप गौर ना करें जिसको मैंने लिखा था। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वी के अपान में इस आई को लाना है, तो जब वी के अपान में इस आई को लाएंगे तो इस एम एल को ऊपर ले जाएंगे। पहले मैं सिंपल से बात यहाँ पे मान लेता हूँ वन इसके मल्टीपल में छुपा हुआ था, तो वन अपान एन ई ए इक्वल टू ई वी टाऊ, और ये आई इसके बटे में आ गया, तो ये हो गया आई इंटू में एम एल। इतनी बात आशा करता हूँ स्टूडेंट आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है जो मल्टीपल वाली संख्या होती है वह ऊपर चली जाती है, देखिए स्टूडेंट यहाँ ये जो एम एल है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एम एल अपान में एन ई ए, और स्टूडेंट यहाँ पर ये टाउ और ई आएंगे तो ऊपर है अपान में, तो इधर नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा ई, ये तो मैंने यहाँ पे ई था तो ई ई मिलकर ई स्क्वायर, और ये टाउ इक्वल टू वी अपान में आई, यही तो हमारा स्टूडेंट बचा। तो यही हमारा स्टूडेंट इतना जो होता है वो आर के बराबर होता है, या फिर इसे हम कह देते हैं कि ये हमारा सारा कांस्टेंट हो जाता है और इसके स्थान पर आ जाता है आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपान में आई, ये सारा हमारा कांस्टेंट हो जाता है, या फिर इसके स्थान पर पूरे के हम रख देते हैं आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपान आई, और वी इक्वल टू इसी से निकालेंगे तिरेक मल्टीपल करके, या फिर ये जो वी है ये अपान में है ये आई, तो अब इसके मल्टीपल में चली जाएगी, तो ये मल्टीपल में आ गई तो वी इक्वल टू हो गया आई आर। यही होता है स्टूडेंट ओम का नियम। दोस्तों आशा करता हूँ ये ओम का नियम समझ में आ गया होगा, यदि ये ओम का नियम आपके समझ में नहीं आया तो इसे मुझे कमेंट जरूर करना। आशा तो करता हूँ स्टूडेंट कि आपके 100% समझ में आ गया होगा, चूंकि मैंने इसे बहुत बेहतर समझाने की कोशिश की है, पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार समझाने वाला नहीं मिलेगा। इसी बात पर मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मैं सोनू मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।